और अगली गेंद और विराट कोहली ने सीधा ड्राइव किया मिड विकेट, एक रन पूरा करते हुए कोहली 26 पे खेल रहे हैं। और काफ़ी बढ़िया शॉट, डीप एक्स्ट्रा कवर पॉइंट के पास और खिलाड़ी रोकने में असफल। गेंद गई सीधे सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए और कोहली के द्वारा एक काफ़ी बढ़िया शॉट खेला गया नटराजन की गेंद पे। काफ़ी बड़ी जिम्मेदारी के कोहली के हाथों में, एक लंबी साझेदारी की आवश्यकता। नटराजन की अगली गेंद कोहली के लिए और फिर से आगे बढ़कर खेलने का प्रयास, लेकिन गेंद सीधा गई विकेटकीपर के हाथों में। गेंद काफ़ी आगे ही डाला गया नटराजन के द्वारा, शॉट लगाने में चूके विराट कोहली। और नटराजन की अगली गेंद विराट कोहली के लिए और सीधे हवा में उछाल दिया है, वहां पे खिलाड़ी मौजूद लेकिन कैच नहीं ले पाए और इसी के साथ 2 रन पूरा करने में सफल रहे विराट कोहली। 64 रन पूरे हुए आरसीबी के। 5वीं ओवर ये नटराजन का जाता हुआ। और नटराजन की अंतिम गेंद और फुल टॉस गेंद थी, सीधा उछाल दिया हवा में, गेंद गई सीधे सीमा रेखा के बाहर कोहली के द्वारा और बहुत ही बढ़िया शॉट। 70 रन पूरे हुए आरसीबी के। विराट कोहली को एक शतकीय पारी खेलनी होगी और डु प्लेसी उनका साथ निभाते हुए 32 पे खेलते हुए 13 गेंदों में कमिंग्स आए हैं गेंदबाजी के लिए। खिलाड़ियों को निर्देश देते हुए कमिंग्स अपने पहले गेंद के लिए तैयार, डु प्लेसी है स्ट्राइक पर मौजूद। 5 ओवर हो चुके हैं, 6ठी ओवर कमिंग्स के द्वारा डाला जाएगा और ये पहली गेंद डु प्लेसी के लिए और सीधे खेलने का प्रयास, लेकिन गेंद गई विकेट कीपर के हाथों में और विराट कोहली मुस्कुराते हुए। विराट कोहली को शायद लगा कि गेंद गई सीमा रेखा की ओर, लेकिन चूक गए डु प्लेसी।
और फिर डुप्लेसी की तैयार स्ट्राइक के, और ये काफी बढ़िया शॉट खेला गया डुप्लेसी के द्वारा 4 रनों के लिए। अच्छी तालमेल दोनों खिलाड़ियों के बीच और अच्छे कदमों का प्रयोग करते हुए डुप्लेसी ने बिना हिले खेल दिया एक लंबा शॉट और 4 रन जोड़ते हुए आरसीबी के खातों में। फिर से डुप्लेसी तैयार कमिंग्स अपने गेंदबाजी के लिए बढ़ते हुए, और ये दूसरी गेंद, और फिर से शॉट्स लगाने का प्रयास, लेकिन गेंद जाके टकराई कम डुप्लेसी के कंधों में। और शायद डुप्लेसी को थोड़े से चोट लगते हुए कमिंग्स अपने अगले गेंद के लिए डुप्लेसी और खेल दिया है लॉन्ग ऑफ पे, वहाँ पे खिलाड़ी थे मौजूद, लेकिन 1 रन सफलतापूर्वक पूरा कर लिया। विराट कोहली को स्ट्राइक मिला। और 38 रन विराट कोहली के, 2 छक्के 5 चौकों के साथ। सत्रह गेंदों में 38 रन बनाए विराट कोहली। फिर से कमिंग्स तैयार विराट कोहली के लिए। और काफ़ी बढ़िया गेंद, अच्छा खेलने का प्रयास किया गया, लेकिन असफल रहे विराट कोहली, और गेंद सीधा उनके पैर से लगी, और अगले गेंद का सामना करेंगे विराट कोहली। कमर बांधे विराट कोहली स्ट्राइक के तैयार, कमिंग्स के अगले गेंद का सामना करेंगे, और ये उछाल दिया है गेंद सीधे लॉन्ग ऑन की दिशा में, वहां पे कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं, गेंद गई सीधे सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। 79 रन पूरे हुए आरसीबी के। 6 ओवर की समाप्ति, विराट कोहली 32-42 पे खेलते हुए 19 गेंदों में। एक अच्छी रणनीति के तहत विराट कोहली और डुप्लेसी अपना साझेदारी निभाते हुए आज बढ़िया रन रेट के साथ मैदान में डटे हुए हैं। आज तो खेलना होगा इन्हें एक लंबी पारी, 10 ओवरों को काफ़ी अपेक्षा इन दोनों खिलाड़ियों से, काफ़ी उम्मीदें। मयंक कहाँ हैं गेंदबाजी करने के लिए, इनके आईपीएल करियर की बात की जाए तो 35 मैच है, 17 विकेट हैं, और डुप्लेसी स्ट्राइक पे मौजूद और सीधा ड्राइव किया है लॉन्ग ऑन की दिशा में, वहाँ पे खिलाड़ी थे मौजूद, लेकिन 1 रन पूरा करने में सफल। और मयंक की अगली गेंद, और विराट कोहली आउट होते हुए, काफ़ी बढ़िया गेंद, और एक निराशाजनक कमिंग्स
खबर आरसीबी के लिए, पहला विकेट जाता हुआ विराट कोहली के रूप में शॉट खेलने का प्रयास किया गया था, लेकिन गेंद सीधे जाके विकेट से टकराई। बयालीस रन पे वापस जाते हुए विराट कोहली मात्र 20 गेंद खेल पाए और अपना विकेट खो बैठे मयंक के गेंद पे। अच्छी स्विंग गेंद थी और इसलिए चूक गए विराट कोहली। एक बहुत बड़ा विकेट मिलता हुआ सनराइजर्स को। धैर्य की आवश्यकता रॉयल चैलेंजर्स को। विल जैक्स आए हैं विराट कोहली के जाने के बाद नए बल्लेबाज के रूप में, और मयंक अपने अगले गेंद के लिए तैयार और सीधा ड्राइव किया है लॉन्ग ऑन की दिशा में। वहाँ पर खिलाड़ी थे मौजूद, एक रन पूरा किया, एक रन के साथ खाता खोलते हुए जैक। पहले पावर प्लेस में 39 रन पूरे किए रॉयल चैलेंजर्स और अगली गेंद जैक की, और फिर से लॉन्ग मिड विकेट खेला डुप्लेसी, एक रन पूरा करते हुए जैक्स को स्ट्राइक सौंपा। काफी लाइन लेंथ में गेंद डालते हुए मयंक मार्कंडे एक आसानी से विराट कोहली का विकेट लिया और अगली गेंद, और जैक्स ने सीधा खेला है स्क्वायर लेग की दिशा में। वहां पर खिलाड़ी थे मौजूद, लेकिन सफलतापूर्वक एक रन पूरा किया। 83 रन पूरे हुए आरसीबी के एक विकेट के नुकसान पे। सातवीं ओवर जाती हुई डुप्लेसी अपना स्ट्राइक संभालते हुए मार्कंडे की अगली गेंद, और बाहर थी गेंद सीधे खेला वहां पे मिड रन की दिशा में। समर्थ थे मौजूद और एक रन के साथ ओवर की समाप्ति। विराट कोहली से बड़ी उम्मीद थी आरसीबी को,
एक अच्छा प्रयास किया गया विराट कोहली के द्वारा, लेकिन असफल रहे और एक लंबी पारी नहीं खेल पाए। एक शतकीय पारी की आवश्यकता, लंबे साझेदारी, ताकि एक बड़े स्कोर को पूरा कर पाए और जीत अपने खाते में वापस ला पाए। और फिर से अगली गेंद होल्कर के द्वारा, और ये सीधा खेल दिया डुप्लेसी ने सीधा सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। अच्छे कलाइयों का प्रयोग डुप्लेसी के द्वारा, 90 रन पूरे हुए इस छक्के के साथ। और रन कट की ये शॉर्ट गेंद थी। डुप्लेसी 46 पे खेलते हुए 21 गेंदों में अपने 8 शतक से 4 रन दूर। 9 विकेट की अगली गेंद, और डुप्लेसी ने सीधा खेल दिया कवर पॉइंट पे, वहाँ पे खिलाड़ी मौजूद, लेकिन 1 रन सफलतापूर्वक पूरा किया। जैक्स को स्ट्राइक सौंपते हुए डुप्लेसी 91 रन पे खेलते हुए आरसीबी 1 विकेट के नुकसान पे 9 विकेट के अगली गेंद जैक्स के लिए। अब जैक्स और डुप्लेसी से बड़ी उम्मीद है, और एक धुआंधार पारी खेलनी होगी और सीधा ड्राइव किया है फाइन लेग की दिशा में, गेंद गई सीधे सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। जैक्स का ये पहला चौका, और इसी चौकों के साथ 95 रन पूरे हुए आरसीबी के। और काफी चतुराई के साथ खेला गया ये जैक्स के द्वारा, और 9 विकेट गेंदबाजी करने के लिए आए थे, लेकिन जैक्स तैयार नहीं थे इसलिए रोक दिया गया। नटकट फिर से गेंदबाजी के लिए तैयार, जैक्स स्ट्राइक पे मोर्चा संभालते हुए, और काफ़ी बाहर थी गेंद, सीधा ड्राइव किया कवर पे, वहाँ पे खिलाड़ी मौजूद, लेकिन 1 रन सफलतापूर्वक पूरा किया। डुप्लेसी को स्ट्राइक मिला, 47 रन पे खेल रहे हैं डुप्लेसी, 22 गेंदों में 96 रन पूरे हुए आरसीबी के, 1 विकेट के नुकसान पे। 8वीं ओवर ये जाती हुई 9 विकेट के द्वारा, और डुप्लेसी के 3 छक्के 5 चौकों के साथ 47 रन 22 गेंदों में। दर्शकों में काफी उत्साह, आज का ये मैच काफी रोमांचक होने वाला है, और आरसीबी के 100 रन पूरे हुए 7.5 ओवर में। अभी भी एक बड़े रन रेट की आवश्यकता। 9 विकेट की अंतिम गेंद डुप्लेसी के लिए, और सीधा खेल दिया है, और गेंद सीधे 9 विकेट के हाथों से टकराती हुई विकेट में लगी, और देखना होगा क्या होता है। अपील किया गया 9 विकेट के द्वारा, और इसी तरह से जैक्स का विकेट गिरता हुआ, दूसरे विकेट का पतन आरसीबी के। और शॉर्ट्स खेला गया था, लेकिन निकल चुके थे जैक,
और गेंद सीधे उनाडकट के हाथों से लगती हुई विकेट से जा टकराई। इस प्रकार बिल गेट 7 रनों पे वापस जाते हुए पवेलियन। और पाटीदार आए नए बल्लेबाज के रूप में, और फिर से स्पिनर को मौका दिया गया मयंक मार्कंडे, और सीधा ड्राइव किया है फाइन लेग की दिशा में पाटीदार, खाता खोलते हुए 1 रनों के साथ। डुप्लेसी को स्ट्राइक मिला, 101 रन पूरे हुए आरसीबी के। और एक रणनीति के तहत मयंक मार्कंडे को मौका देता हुआ रॉयल चैलेंजर्स। और अगली गेंद और सीधे उछाल दिया है मिड विकेट, लेकिन वहाँ पे जयदेव थे मौजूद, केवल 1 रन लेने देंगे। चेक का विकेट काफ़ी आश्चर्यजनक, इस तरह की विकेटें काफ़ी कम देखने को मिलती है जब गेंद सीधा जाकर गेंदबाज के हाथों से लगती हुई विकेट में टकराती है, और एक आसान सा विकेट मिलता हुआ रॉयल सनराइजर्स को। और फिर से गेंद उछाल दिया है पाटीदार ने, गेंद गई सीधे सीमा रेखा के बाहर, और ये पहला छक्का पाटीदार के द्वारा, 108 रन पूरे हुए आरसीबी के। बड़े शॉट्स की आवश्यकता। और फिर से अगली गेंद, लेकिन गेंद काफी बाहर थी और वाइड दिया गया अंपायर के द्वारा, एक अत्यधिक रन जुड़ेंगे आरसीबी के खाते में। मयंक की अगली गेंद और ये पाटीदार ने फिर से उछाल दिया है फाइन लेग की दिशा में, लेकिन वहाँ पे मौजूद थे खिलाड़ी, 1 रन सफलतापूर्वक पूरा किया, 111 रन पूरे हुए आरसीबी के। पाटीदार को स्ट्राइक मिला, और अगली गेंद मयंक की, और फिर से उछाल दिया पाटीदार ने, गेंद गई सीधे खिलाड़ी के हाथों में, और ये आसान सा कैच पाटीदार के रूप में तीसरा विकेट गिरता हुआ आरसीबी के, और मात्र 9 रनों पे वापस जाते हुए पाटीदार। बाउंड्री लाइन पे जयदेव थे मौजूद, और गेंद सीधे उनके हाथों में गई, और इस तरह से रजत पाटीदार केवल 9 रनों में 5 गेंद को खेलते हुए वापस पवेलियन गए। दबाव में आरसीबी के खिलाड़ी, धैर्य खोते हुए बल्लेबाज,
और सौरभ चौहान आया नए बल्लेबाज के रूप में, और ये पहली गेंद खेलते हुए सीधा खेल दिया है फाइनले की दिशा में, गेंद गई सीधे सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। एक सौ 115 रन पूरे हुए आरसीबी के। और कमिंग सी अगली गेंद रिप्लेसी के लिए, और फिर से उछाल दिया है लॉन्ग ऑन की दिशा में, गेंद गई सीधे सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। और ये दूसरा बाउंड्री लगातार रिप्लेसी के द्वारा, 121 रन पूरे हुए आरसीबी के। और ये शक्तिशाली प्रहार कमिंग्स के गेंदों पे करते हुए डुप्लेसी, इसी तरह के शॉट्स खेलने होंगे। और डुप्लेसी से काफ़ी उम्मीदें आरसीबी को कमिंग्स की अगली गेंद डुप्लेसी के लिए। और ये ऑफ स्टंप से बाहर थी गेंद, और विकेट कीपर के द्वारा अपील किया गया, और इसी के साथ बाहरी किनारा लगा चौथे विकेट के रूप में डुप्लेसी वापस पवेलियन जाते हुए। अंपायर पहले वाइट का इशारा दिया, फिर अपील करने के बाद आउट करार देते हुए बाहरी किनारा लगा था। बासठ रनों पे वापस जाते हुए डुप्लेसी 28 गेंदों का सामना किया, एक अच्छी पारी खेलते हुए। मौजूदा हालात को देखते हुए मैच सनराइजर्स के हक में जाते हुए दिखता। और कार्तिक आया नए बल्लेबाज के रूप में, कमिंग से अगले गेंद का सामना करेंगे, और सीधा खेलने का प्रयास, और फिर से अपील, लेकिन अंपायर के द्वारा कोई रिएक्शन नहीं। ऑप्शन लेग स्टंप के बाहर थी गेंद। विकेट कीपर को एज लगने का अंदेशा हुआ, और इसी के साथ अपील किया गया था, लेकिन अंपायर के द्वारा नॉट आउट का फैसला लिया गया। और कार्तिक बिना खाता खोले हुए कमिंग से अगले गेंद का सामना करेंगे, और सीधा ड्राइव किया है, और एक रन सफलतापूर्वक पूरा किया कार्तिक, एक रन से खाता खोलते हुए सौरभ को स्ट्राइक दिया। कमिंग्स की अंतिम गेंद, सौरभ मौजूद स्ट्राइक पे,
अंतिम गेंद का सामना करेंगे और खेलने का प्रयास, लेकिन गेंद गई सीधा पैर से टकरा और इसी के साथ अपील किया गया 5वां विकेट के रूप में सौरभ जाते हुए। 5वां विकेट का पतन 122 रनों पे। कमिंस को ये दूसरा सफलता मिलता हुआ। बिना खाता खोले सौरभ चौहान वापस पवेलियन जाते हुए और एक सफल ओवर के रूप में कमिंस के साबित हुए। काफी तालमेल के साथ गेंदबाजी किया कमिंस ने। फिर से मयंक मार्कंडे को मौका दिया गया। लुमरो रहा है नए बल्लेबाज के रूप में। 10 ओवर समाप्त हो चुके हैं, 122 रन मात्र 5 विकेटों के नुकसान पे। और मार्कंडे और कमिंग्स दो दो विकेटें ले चुके हैं अपने तीसरी ओवर करने के लिए तैयार। मार्कंडे कार्तिक स्ट्राइक पे मौजूद लेकिन तैयार नहीं और रोक दिया गया। गेंद सीधे जाकर विकेट से टकराई। विकेट टू विकेट गेंदबाजी करते हुए मार्कंडे काफ़ी लाइन एंड लेंथ से गेंदबाजी करते हुए। और मार्कंडे की अगली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थी गेंद, लेकिन कवर पे खेला, वहाँ पे खिलाड़ी मौजूद बिना किसी रन के। अगले गेंद का सामना करेंगे कार्तिक। अगली गेंद और सीधा ड्राइव किया है स्क्वायर लेग की दिशा में। एक रन पूरा किया। लोमरोर को स्ट्राइक मिलता हुआ और पहले गेंद का सामना करेंगे और खेलने का प्रयास, लेकिन गेंदबाज के द्वारा अपील और अंपायर के द्वारा नॉट आउट दिया गया। गेंद सीधे जाके पैर से टकराई थी। और अंपायर के द्वारा रिव्यू का सारा डिसीजन थर्ड अंपायर के पास जाती हुई देखना होगा। इंतजार करना होगा थर्ड अंपायर के निर्णय का। काफी उत्साहित सनराइजर्स के खिलाड़ी लगातार विकेट मिलते हुए उनको। थर्ड अंपायर का निर्णय नॉट आउट। बड़े भाग्यशाली रहे लोमरोर, बिना खाता खोले शॉट्स लगाने का प्रयास किया गया था इनके द्वारा, लेकिन पहले ही गेंद पे अफील। और मार्कंडे के अगले गेंद का सामना करेंगे लुमरोर और काफी बाहर थी गेंद और एक और ये पहला वाइड मार्कंडे के। एक अतिरिक्त रन जुड़ेंगे आरसीबी के खाते में।
और ये बढ़िया शॉट लगाया गया लमरोर के द्वारा, लेकिन वहाँ पे खिलाड़ी मौजूद थे, एक रन पूरा किया। और इसी एक रन के साथ लमरोर अपना खाता खोलते हुए। और मार्कंडे की अगली गेंद और सीधा खेल दिया है कवर पॉइंट पे, वहाँ पे जयदेव है मौजूद। तेजी के साथ एक रन पूरा किया, इसी के साथ ओवर की समाप्ति। एक बड़े रन रेट की आवश्यकता, लेकिन विकेट जाने लगती है तो बल्लेबाजों पे दबाव बढ़ने लगते हैं। अभी भी बल्लेबाजों को टिकने होंगे मैदान में, क्रिकेट संभावनाओं का खेल है तो यहाँ कुछ कहा नहीं जा सकता है दोस्तों। भले ही दबाव से जूझ रहे हो, लेकिन कुछ भी हो सकता है। उम्मीदों के साथ खेलते हुए लोमरोर 2 रनों पे और कार्तिक 3 रनों पे, नटराजन को फिर से मौका दिया गया गेंदबाजी के लिए। ये इनकी दूसरी ओवर होगी और लोमरोर स्ट्राइक पे और सीधा पुल किया है फाइन लेग की दिशा में, एक रन सफलतापूर्वक पूरा किया। आरसीबी के खिलाड़ी काफ़ी आसान आसान विकेट दे बैठे, थोड़े से असंयमित रहे। और नटराजन की अगली गेंद कार्तिक के लिए और काफ़ी बाउंस गेंद और वाइड दिया गया अंपायर के द्वारा, कंधों से ऊंची थी गेंद। एक अतिरिक्त जुड़ेंगे आरसीबी के खाते में, 129 पे खेलते हुए आरसीबी 5 विकेटों के नुकसान पर। ये 12वीं ओवर चलती हुई, कार्तिक है स्ट्राइक पर मौजूद, नटराजन का अगले गेंदों का सामना करेंगे। और अब काफ़ी बढ़िया शॉट खेला गया कार्तिक के द्वारा लॉन्ग ऑन की दिशा में, लेकिन वहाँ पे खिलाड़ी मौजूद होने के कारण 1 रनों से संतोष करना होगा। और स्ट्राइक लोमरोर को पुनः मिलता हुआ। नटराजन की अगली गेंद और फिर से बाउंस गेंद और एक और वाइड मिलता हुआ, एक अतिरिक्त रन जुड़ेंगे आरसीबी के खाते में। आरसीबी के गेंदबाजों ने भी बहुत सारे वाइड्स डाले थे, लेकिन एक बड़े शॉट्स की आवश्यकता होगी, बड़े रन रेट की आवश्यकता होगी आरसीबी के।
लोमरोर स्ट्राइक के मोर्चा संभालते हुए नटराजन के अगले गेंदों का सामना करेंगे। कमर बांधे लोमरोर स्ट्राइक से तैयार नटराजन की अगली गेंद और पीछे हटकर सीधा खेला गेंद गई, सीधा स्ट्रेट में खेला गया लेकिन वहां पे खिलाड़ी थे मौजूद। एक रन के साथ कार्तिक को स्ट्राइक मिला 133 पर खेलते हुए। आरसीबी 5 विकेट गंवा चुके हैं और अभी भी काफ़ी दूर अपने लक्ष्य से। कार्तिक मोर्चा संभालते हुए नटराजन के अगले गेंद का सामना करेंगे और एक जोर से बड़े शॉट खेलने का प्रयास, लेकिन गेंद की लाइनिंग अच्छी थी, गेंद सीधे छूटती हुई गई विकेट कीपर के हाथों में। ट्रेविस हेड के काफ़ी बढ़िया पारी रही 102 रनों की मात्र 41 गेंदों में 9 चौके 8 छक्कों के साथ। और कल के KKR वर्सेस RR के 31वां मैच खेला जाएगा 6:30 बजे संध्या। और लोमरोर फिर से तैयार नटराजन के अगले गेंद का सामना करने के लिए और सीधे उछालने का प्रयास, लेकिन गेंद स्विंग थी, सीधे गई मिड ऑफ के पास, खिलाड़ी थे मौजूद। केवल एक रन से संतोष करना होगा। इसी के साथ ओवर की समाप्ति। डुप्लेसी या विराट कोहली, किन्हीं दो में से एक को एक शतकीय पारी खेलने की आवश्यकता थी। और इसी के साथ लोमरोर ने उछाल दिया हवा में गेंद और वहां पर खिलाड़ी मौजूद थे, लेकिन मरकरम रोकने में नाकाम रहे। गेंद उनसे हाथ से छूटती हुई सीधे सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए और लोमरोर का ये पहला छक्का। अच्छी गेंद थी मार्कंडे के द्वारा, लेकिन काफ़ी कॉन्फिडेंस में लोमरोर ने खेला। और मार्कंडे की अगली गेंद और फिर से उछाल दिया हवा में, गेंद गई सीधे सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए, लगातार दूसरा छक्का लोमरोर के द्वारा। काफ़ी लय में नजर आते हुए लोमरोर अपने पारी का आगाज करते हुए। और फील्डिंग्स में परिवर्तन करते हुए कैप्टन महोदय लोमरोर स्ट्राइक पे फिर से कवर पॉइंट पे खेला, लेकिन वहाँ पे मौजूद खिलाड़ी एक रन ले पाए लोमरोर और कार्तिक को स्ट्राइक देते हुए।
कार्तिक मौजूद है, स्ट्राइक पर मार्कंडेय की अगली गेंद का सामना करेंगे और स्टंप से बाहर दी गेंद सीधे उछाल दिया है फाइन लेग में, गेंद गई सीधे सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। और कार्तिक की ये पहला छक्का, और ये शक्तिशाली प्रहार कार्तिक के द्वारा किया गया, ये पहला छक्का उनके द्वारा। लेग स्टंप से बाहर थी गेंद, लेकिन कदमों का प्रयोग करते हुए एक जोरदार शॉट खेला गया, और इस तरह के शॉट खेलने होंगे एक अच्छा तालमेल लोमरोर और कार्तिक के बीच लक्ष्य प्राप्ति के लिए एक लंबे साझेदारी की आवश्यकता। और फिर से बाहर थी गेंद, वाइड गेंद, एक अतिरिक्त रन जुड़ेंगे आरसीबी के खाते में, और काफ़ी आवश्यकता अतिरिक्त रनों की वाइड्स के रूप में आरसीबी को। मार्कंडे थोड़े से नर्वस नजर आते हुए अगली गेंद, और काफी बढ़िया उल्टा घुमा के मारा, गेंद गई सीधे सीमा रेखा के बाहर कार्तिक के द्वारा, ये दूसरा बाउंड्री। बड़े चतुराई से खेलते हुए कार्तिक 4 रन पुनः जोड़ा अपने खाते में, और आरसीबी 159 पे खेलते हुए 5 विकेटों के नुकसान पे। कार्तिक महाराज फिर से कमर बांधे स्ट्राइक पे मौजूद, और अगली गेंद मार्कंडेय की फिर से खेल दिया है लॉन्ग ऑन की दिशा में, लेकिन वहाँ पे मौजूद थे खिलाड़ी, 1 रन के साथ संतोष करना होगा। ओवर की समाप्ति, 160 रन पूरे हुए 5 विकेटों के नुकसान पे। और उनटकट को मौका दिया गया गेंदबाजी के लिए फिर से, और बाहर थी गेंद सीधे उछाल दिया है कार्तिक ने, गेंद गई सीधे सीमा रेखा के बाहर, कोई फील्डर मौजूद नहीं थे, और एक और चौका जुड़ता हुआ आरसीबी के खाते में, 164 रन पूरे हुए 5 विकेट के नुकसान पे, कार्तिक के 20 रन 12 गेंदों पे। अच्छे कलाइयों का प्रयोग करते हुए, जानते थे वहाँ पे खिलाड़ी मौजूद नहीं है, और काफ़ी चतुराई से खेला। लक्ष्य के नज़दीक पहुंचते हुए धीमे धीमे अगली गेंद, और फिर से उछाल दिया कवर पॉइंट पे, कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं, गेंद गई सीधे सीमा रेखा के बाहर। अच्छे फायदा उठाते हुए कार्तिक, वहां पे कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं डीप एक्स्ट्रा कवर पॉइंट पे, और इसी का फायदा उठाते हुए कार्तिक लगातार दूसरा चौका लगाते हुए। फिर से कार्तिक महाराज स्ट्राइक पे मौजूद, उनटकट के अगले गेंद का सामना करेंगे, और काफी उत्साहित। और फिर से ड्राइव किया है कवर पॉइंट पे, लेकिन वहां पे खिलाड़ी मौजूद, केवल 1 रन से संतोष करना होगा कार्तिक को, और लुमरोर को स्ट्राइक सौंपते हुए।
और लोमरोर महाराज भी कमर बांधे अपने लक्ष्य के लिए मजबूती से खड़े शैक पे रन करके गेंद का सामना करेंगे और सीधा उछाला लंगोन के दिशा में, लेकिन खिलाड़ी मौजूद। इस तरह से एक रन पूरा किए और दूसरे पावर प्ले का इशारा किया गया अंपायर के द्वारा। अपने स्किल का इस्तेमाल करते हुए कार्तिक 53 रन पूरा किए अपने 68 पारी एक। कार्तिक को एक शतकीय पारी खेलने की आवश्यकता थी आरसीबी के लिए, लेकिन चूक गए और उनके जगह लोमरोर और लोमरोर मोर्चा संभालते हुए और फिर से एक वाइड गेंद, एक अतिरिक्त रन जुड़ेंगे आरसीबी के खाते में। 177 रन पूरे हुए। जीत की ओर धीमे धीमे बढ़ते हुए आरसीबी। और जीत के रथ का दो डोर लोमरोर और कार्तिक संभालते हुए अपने लक्ष्य की ओर। उनटकट की अगली गेंद कार्तिक के लिए और काफ़ी बढ़िया स्ट्राइक किया फाइन लेग की दिशा में, गेंद गई सीधे सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। काफ़ी चतुराई से खेला गया शॉर्ट्स, गेंद थी ऑफ स्टंप पे लेकिन अपने स्किल का प्रयोग करते हुए ओवर की समाप्ति। धीरे धीरे रन रेट में इजाफा। मैदान में डटे रहने होंगे दोनों खिलाड़ियों को, तभी एक लंबी पारी खेल पाएंगे और अपने लक्ष्य को पूरा कर पाएंगे। लोमरोर फिर से स्ट्राइक पर मौजूद, कमिंग्स आए गेंदबाजी के लिए पहली गेंद और इसी के साथ लोमरोर चूक गए और अपना विकेट दे बैठे। गेंद सीधे जाके विकेट से टकराई और जिस बात की चर्चा कर रहे थे और चूक गए, गेंद सीधे बैट से लगी लेकिन बाहरी किनारा लगते हुए विकेट से जा टकराई। और महिपाल लोमरोर 19 रनों पे वापस जाते हुए 19 रन ही बना पाए 11 गेंदों में। थोड़े से संयमित रहने की आवश्यकता थी लोमरोर को, अच्छा खेल रहे थे।
कमिंग्स अगले गेंद के लिए तैयार। रावत आया नए बल्लेबाज के रूप में। अनुज रावत 54 इनिंग खेल चुके, 234 रन बना पाए 117 स्ट्राइक रेट के साथ, और पहले गेंद का सामना किया और सीधा ड्राइव किया बिना किसी रन के। अगले गेंद का सामना करेंगे कमिंग्स के। लोमरोर गेंद अष्टम के बाहर थी लेकिन पुल किया था, लेकिन गेंद सीधे जाके विकेट से टकराई। और अगली गेंद रावत ने खेला कवर पॉइंट पे, और इसी के साथ एक रनों के साथ खाता खोलते हुए फिर से कार्तिक महाराज को स्ट्राइक मिलता हुआ कमिंग्स के। गेंद का सामना करेंगे और सीधे उछाल दिया फाइन लेग के दिशा में, वहां पे खिलाड़ी मौजूद, लेकिन एक रन सफलतापूर्वक पूरा किया। 36 रन पूरे हुए कार्तिक के 17 गेंदों में, 183 रन आरसीबी के 6 विकेटों के नुकसान से। और ये 15वीं ओवर कमिंग्स के द्वारा डाला जा रहा है। जीत के लिए 105 रन मात्र 32 गेंदों पे, और ये मैच बहुत रोमांचक होता जा रहा है। और अच्छा शॉट लगा लेकिन कवर पॉइंट पे खिलाड़ी थे मौजूद, बिना किसी रन के रावत को संतोष करना होगा। अगले गेंद का सामना करेंगे कमिंग्स के। कमिंग्स की अगली गेंद, और अच्छा शॉट खेला रावत ने, गेंद गई सीधे सीमा रेखा के बाहर, कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं थे। और रावत का पहला चौका। अब स्टंप के बाहर थी गेंद और इसका फायदा उठाते हुए एक सौ एक रनों की आवश्यकता मात्र 30 गेंदों में कमिंग्स की ये ओवर समाप्त। अब आरसीबी को एक तूफानी पारी खेलनी होगी खेल के अंतिम पड़ाव में। 101 रनों की आवश्यकता मात्र 30 गेंदों में। देखना काफी दिलचस्प होगा क्या आरसीबी के योद्धाओं कर पाएंगे या नहीं। मात्र 5 ओवर बाकी, 101 रनों की आवश्यकता।
और कार्तिक से काफ़ी उम्मीदें, काफ़ी लंबे समय से डटे हुए कार्तिक, भले रावत अभी अभी आए हों, लेकिन दोनों खिलाड़ियों को एक अच्छी तालमेल बनानी होगी, लंबे शॉट्स खेलने होंगे। एक सौ सतासी पे खेलते हुए आरसीबी 6 विकेटों के नुकसान पे। हाँ, तुलना की जाए सनराइजर्स की तो सनराइजर्स को काफ़ी अतिरिक्त रने मिले, लेकिन रॉयल चैलेंजर्स को बस कुछ ही अतिरिक्त रन प्राप्त हो पाए। और नटराजन को फिर से मौका दिया गेंदबाजी के लिए, कार्तिक मौजूद स्ट्राइक पे और उछाल दिया है लॉन्ग ऑन की दिशा में, गेंद गई सीधे सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। काफी बढ़िया शॉट, इसी तरह के प्रहार करने होंगे गेंदों पे अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए। गेंदों की संख्या कम और रनों की संख्या अधिक, तो बड़े शॉट्स की आवश्यकता। फिर से नटराजन तैयार कार्तिक के लिए और फिर से पुल किया है सीधा, और एक रन पूरा करते हुए दूसरा रन पूरा कर लिया गया। काफी फुर्तीला है कार्तिक और काफी तेजी से 2 रन पूरा किए, 44 रन पे खेलते हुए कार्तिक। फिर से कार्तिक मोर्चा संभालते हुए स्ट्राइक पे, नटराजन के अगली गेंद का सामना करेंगे और ये बाउंस गेंद थी, लेकिन शॉट्स लगाने का प्रयास, लेकिन गेंद सीधे कवर पॉइंट के खिलाड़ी के हाथों में गई। एक सौ 95 रन पूरे हुए आरसीबी के। नटराजन की अगली गेंद और काफी बाहर थी यार, ऑफ स्टंप के काफी बाहर गेंद डाला गया है नटराजन के द्वारा। रिव्यू किया गया था, शायद बाहरी किनारा लगने का अंदेश था गेंदबाज को, लेकिन नॉट आउट करार दिया गया अंपायर के द्वारा। और फिर से कार्तिक मैदान पर तैयार, स्ट्राइक संभालते हुए नटराजन का अगली गेंद का सामना करेंगे और उछाल दिया है पावर पॉइंट पे, लेकिन वहाँ पे समत थे मौजूद, 2 रन पूरा किया दिनेश कार्तिक। एक अनुभवी बल्लेबाज दिनेश कार्तिक 45 रन पूरा किए 21 गेंदों पे, 4 चौके 3 छक्कों के साथ।
और नटराजन अगली गेंद रावत के लिए और फुल किया, लेकिन गेंद विकेट कीपर के हाथों से छूटती हुई गली में गई, लेकिन एक रन सफलतापूर्वक पूरा करते हुए कार्तिक को स्ट्राइक सौंपा। और कार्तिक और सीधा खेल दिया है कवर पॉइंट पे, लेकिन वहां पे फिर से समद मौजूद। एक रन सफलतापूर्वक पूरा किए कार्तिक ने, और इसी के साथ ओवर की समाप्ति। थोड़े से महंगा ओवर साबित होता हुआ नटराजन की। कमिंग्स को मौका दिया गया फिर से गेंदबाजी के लिए। एक बार फिर से दिनेश कार्तिक स्ट्राइक पे मोर्चा संभालते हुए कमिंग्स के पहले गेंद का सामना करेंगे, और फुलटॉस गेंद सीधा खेल दिया है हवा में, गेंद गई सीधे सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। और इसी छक्के के साथ दिनेश कार्तिक के 8 शतक पूरे हुए, 22 रन पूरा किया 23 गेंदों में, और एक सलामी बल्लेबाजी करते हुए दिनेश कार्तिक खेल के अंतिम दौर में लक्ष्य प्राप्ति के लिए जोरदार प्रयास करते हुए कमिंग्स की अगली गेंद और फिर से उछाल दिया हवा में गेंद, लेकिन वहां पे समर्थ थे मौजूद, ड्रॉप करते हुए उनके हाथों में गई, लेकिन तब तक 2 रन पूरा करने में सफल रहे दिनेश कार्तिक। काफी फुर्ती के साथ रन जोड़ते हुए आरसीबी के खातों में। अभी भी 81 रनों की आवश्यकता मात्र 22 गेंदों में। और अगली गेंद फिर से खेला, लेकिन मिड ऑफ के खिलाड़ी थे मौजूद बिना किसी रन के। कार्तिक ने स्ट्राइक अपने पास रखा। कमिंग्स की अगली गेंद और उछाल दिया है सीधा, लेकिन वहां पे खिलाड़ी थे मौजूद, ड्रॉप करते हुए उनके हाथ में गई, 1 रन लेने का प्रयास किया गया, फिर रोक दिया गया दिनेश कार्तिक के द्वारा। चार छक्के 4 चौके लगा चुके हैं दिनेश कार्तिक। लेकिन पुनः 1 रन पूरा करते हुए कार्तिक ने रावत को स्ट्राइक सौंपा, और अगली गेंद का सामना करेंगे। और सीधा ड्राइव किया है मिड ऑफ की दिशा में, वहां पे समर्थ मौजूद, 1 रन सफलतापूर्वक पूरा करते हुए कार्तिक को स्ट्राइक सौंपा। 55 रन पे खेलते हुए दिनेश कार्तिक 26 गेंदों में। जीत के लिए
79 रनों की आवश्यकता है मात्र 19 गेंदों में। बड़े शॉट्स लगाने होंगे और दिनेश कार्तिक से उम्मीदें। कमिंस की अगली गेंद दिनेश कार्तिक के लिए और ये बाउंस गेंद थी। जोखिम भरा हो सकता था लेकिन अंपायर ने वाइट का इशारा किया। एक अतिरिक्त रन जुड़ेंगे आरसीबी के खाते में। अठहत्तर रनों की आवश्यकता 19 गेंदों में। दिनेश कार्तिक 55 रन पे खेलते हुए। अगली गेंद और सीधा उछाल दिया है फाइन लेग में, वहां पे कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं, सीधे गई गेंद सीमा रेखा के बाहर। काफी बढ़िया शॉट्स लगाया गया और इसी के साथ कमिंग्स के ओवर की समाप्ति। और भुवनेश्वर कुमार को मौका मिला अपने तीसरे ओवर डालने के लिए और रावत स्ट्राइक पे मौजूद। 17 ओवर पूरे हो चुके हैं, 18 गेंद बाकी है और फिर से वाइड गेंद। एक अतिरिक्त रन जुड़ेंगे आरसीबी के खाते में। रावत को भी बड़े शॉट्स खेलने होंगे दिनेश कार्तिक के साथ। दोनों खिलाड़ियों को लंबे शॉट्स लगाने होंगे और फिर से अगली गेंद खेलने का प्रयास किया गया लेकिन गेंद सीधा विकेट कीपर के हाथों में गई और ये पहली गेंद खपाने में कामयाब रहा भुवनेश्वर कुमार। भुवनेश्वर कुमार काफी अनुभवी गेंदबाज के रूप में जाने जाते हैं, गेंद खपाने में काफी महारत हासिल भुवनेश्वर कुमार। और अगली गेंद और खेलने का प्रयास लेकिन भुवनेश्वर कुमार के द्वारा अपील की गई। शायद थर्ड अंपायर को दिया जा सकता है रिव्यू करने के लिए और रिव्यू का इशारा अंपायर के द्वारा। तब तक 1 रन पूरा कर चुके थे रावत। नॉट आउट का फैसला लिया गया अंपायर के द्वारा और भाग्यशाली रहे रावत और 1 रन जोड़ा जाएगा आरसीबी के खाते में। और स्ट्राइक पुनः दिनेश कार्तिक के हाथों में गई। भुवनेश्वर कुमार के अगले गेंद का सामना करेंगे। 70 रनों की आवश्यकता मात्र 16 गेंदों में। बड़े शॉट्स की आवश्यकता। दिनेश कार्तिक कमर बांधे मैदान में मौजूद स्ट्राइक संभालते हुए भुवनेश्वर कुमार के अगले गेंद का सामना करेंगे और ये स्विंग करवाने का प्रयास किया गया भुवनेश्वर कुमार के द्वारा लेकिन पुल किया सीधा। कवर पॉइंट पे गई गेंद लेकिन 1 रन सफलतापूर्वक पूरा करते हुए स्ट्राइक रावत को दिया।
रावत ने खेल दिया सीधे डिफेक्शा कवर के पास, लेकिन वहां पे खिलाड़ी मौजूद, केवल 1 रनों से संतोष करना होगा कार्तिक को स्ट्राइक सौंपते हुए रावत। कार्तिक 62 रनों पे खेलते हुए 28 गेंदों पे 68 रनों की आवश्यकता 14 गेंदों में। भुवनेश्वर कुमार की अगली गेंद कार्तिक के लिए, और काफी बाहर थी गेंद, लेकिन खेलने का प्रयास, लेकिन चूक गए और वाइड गेंद अंपायर के द्वारा इशारा किया गया। एक अतिरिक्त रन फिर से जुड़ेंगे आरसीबी के खाते में। 221 रनों पे खेलते हुए आरसीबी 6 विकेटों के नुकसान पे। फिर से भुवनेश्वर कुमार तैयार और फिर से वाइड गेंद दे बैठे। एक और अतिरिक्त रन जुड़ा आरसीबी के खाते में। 222 रन पूरे हुए 6 विकेट के नुकसान पे। 66 रनों की आवश्यकता मात्र 14 गेंदों में। भुवनेश्वर कुमार तैयार दिनेश कार्तिक के लिए, और सीधे उछाल दिया हवा में अपने कलाइयों का इस्तेमाल करते हुए। एक छक्का जुड़ता हुआ आरसीबी के खाते में, काफी चतुराई से खेलते हुए दिनेश कार्तिक अपना 68 रन पूरे किए 29 गेंदों में। अभी भी 59 रनों की आवश्यकता 13 गेंदों में। भुवनेश्वर कुमार की अंतिम गेंद, दिनेश कार्तिक सामना करेंगे। और ये और सीधा स्विंग करवाने का प्रयास किया गया था भुवनेश्वर के द्वारा, लेकिन फुल किया 1 रन पूरा करते हुए ओवर की समाप्ति। और भुवनेश्वर कुमार 1 रन तेजी से पूरा करते हुए स्ट्राइक अपने पास रखें। और फिर से मौका दिया गया नटराजन को, 3 ओवर डाल चुके हैं, अपने चौथे ओवर डालेंगे। दिनेश कार्तिक स्ट्राइक पे मौजूद 69 रन पे खेलते हुए 30 गेंदों पे। दिनेश कार्तिक डटे हुए अगले गेंद का सामना करेंगे और सीधे उछाल दिया हवा में, और 6 रनों के लिए काफी बढ़िया प्रहार किया गया नटराजन के पहले ही गेंदों पे। और 236 रन पूरे हुए आरसीबी के। दिनेश कार्तिक ने 75 रन पूरा किया अपना, अपने शतकीय पारी के नजदीक। बावन रनों की आवश्यकता है 11 गेंदों में। और अगली गेंद और फिर से उछाल दिया हवा में, लेकिन वहां पे खिलाड़ी मौजूद, रोकने का प्रयास, और क्या छूटते हुए सीमा रेखा की तरफ बढ़ी, लेकिन दूसरे खिलाड़ी आकर रोकने में सफल रहे। और इस तरह से एक
बाउंड्री रोकने में सफल रहे फील्डर्स, लेकिन 2 रन तब तक पूरे कर चुके थे कार्तिक। पचास रनों की आवश्यकता 10 गेंदों पे। और फिर से अगली गेंद और सीधे उछाल दिया गेंद, गेंद गई सीधे गली की तरफ, सीमा रखा का पार, 4 रनों के लिए। काफी चतुराई का प्रयोग करते हुए दिनेश कार्तिक, ऐसे ही नहीं अनुभवी बल्लेबाज के रूप में जाने जाते। ऑफ स्टंप के बाहर थी गेंद, लेकिन बल्ला को उल्टा घुमाया और सीधा पुल कर दिया गली की ओर, और इस तरह से 4 रन जुड़ता हुआ आरसीबी के खाते में। 242 पे खेलते हुए आरसीबी, 46 रन की आवश्यकता 9 गेंदों में। और दिनेश कार्तिक मैदान पर मौजूद, नटराजन के गेंदों का सामना करेंगे और सीधा पुल किया है मिडन की दिशा में, लेकिन वहां पे खिलाड़ी मौजूद, तब तक 2 रन पूरा कर चुके थे। काफी तेजी से रनों को जोड़ते हुए अपने खातों में 83 रनों पे कार्तिक खेलते हुए 34 गेंदों में, 44 रनों की आवश्यकता 8 गेंदों में। दर्शकों की सांसें जैसे थम सी गई हो, एक टक टक की लगा कर देखते हुए मैच का आनंद लेते हुए, और दिनेश कार्तिक फिर से मोर्चा संभालते हुए, नटराजन की अगली गेंद और खेलने का प्रयास, लेकिन गेंद गई सीधे विकेट कीपर के हाथों में। अच्छी गेंद थी। और इस तरह से दिनेश कार्तिक अपना विकेट खो बैठे 83 रनों पे 35 गेंद खेलकर वापस पवेलियन जाते हुए। एक अच्छी पारी खेली दिनेश कार्तिक के द्वारा 83 रनों का, लेकिन असफल रहे शॉट्स लगाने में। बाहरी किनारा लगा था, गेंद गई थी सीधे विकेट कीपर के हाथों में। वैसा कायन है बल्लेबाज के रूप में, नटराजन के अगले गेंद का सामना करेंगे और सीधा पुल किया है, लेकिन बिना किसी रन के ओवर की समाप्ति। अब अंतिम 6 गेंद बची हुई और देखना दिलचस्प होगा। देखना होगा 6 गेंदों में क्या कर पाते हैं रॉयल चैलेंजर्स के बल्लेबाज। और मैच तो हाथ से निकल चुकी है, अभी भी 44 रनों की आवश्यकता 6 गेंदों में। और रावत ने एक सीधे ड्राइव किया, गेंद गली से जाती हुई सीधे सीमा रेखा के बाहर गई गेंद 4 रनों के लिए। रावत स्ट्राइक पर मौजूद, भुवनेश्वर कुमार के अगले गेंद का सामना करेंगे और सीधे उछाल दिया हवा में, सीधा गई कवर पॉइंट के बाद 4 रनों के लिए। और भले ही मैच
हार गए हों, लेकिन अच्छा टक्कर देते हुए सनराइजर्स को अच्छे प्रयास किए गए बल्लेबाजों के द्वारा। दिनेश कार्तिक अच्छे पारी खेले और अगली गेंद रावत ने सीधा फुल किया है डीप एक्स्ट्रा कवर के पास, लेकिन वहाँ पे खिलाड़ी थे मौजूद। एक रन सफलता पूर्वक पूरा करते हुए काफी बाहर थी गेंद और अच्छा खेला गया था दिनेश कार्तिक के द्वारा, लेकिन बल्ले का बाहर किनारा लगते हुए विकेट कीपर के हाथों में गई थी गेंद और निवेशक सीधा फुल किया है, एक रन पूरा किए। एक रन के साथ बीएसएफ का खाता खुलता हुआ रावत को स्ट्राइक सौंपा गया। भुवनेश्वर कुमार ये अपनी 5वीं गेंद डालेंगे। और अगली गेंद और सीधा खेल दिया है लॉन्ग ऑन के दिशा में, सीधे गई गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। रावत 21 रन पूरे किए हैं अपने। तेरा गेंद खेलते हुए और फिर से चतुराई के साथ खेलते हुए सीधे फाइन लेग में गेंद गई सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। इस चौके के साथ आरसीबी के 262 रन पूरे हुए। अगली और सनराइजर्स हैदराबाद 25 रन से विजय प्राप्त किया और एक अच्छी जीत सनराइजर्स को मिलती हुई। 25 रनों से अपने हक में किया गया ये मैच। आरसीबी के द्वारा अच्छा प्रयास किया गया, अच्छी पारी खेली गई। दिनेश कार्तिक लंबे समय तक टिके रहे, अच्छे शॉट्स लगाए। विपरीत परिस्थितियों में भी अच्छी पारी खेल कर गए दिनेश कार्तिक आरसीबी के लिए। आरसीबी को विराट कोहली से बड़े उम्मीद थी, लेकिन ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए। डुप्लेसी भी प्रयास करते हुए रनों में इजाफा कर पाए, लेकिन थोड़े से चूक गए आरसीबी और 25 रनों के साथ अपराजित होते हुए विजय सनराइजर्स के हाथ में गई। और सनराइजर्स जीत प्राप्त करते हुए अपने विरोधी खिलाड़ियों को भी बधाई और मिलते हुए दोनों टीम के खिलाड़ी एक दूसरे को बधाई देते हुए। विराट कोहली 42 रन बना पाए 20 गेंदों में। रन रेट अच्छी थी, लेकिन थोड़े समय तक और टिक पाते तो मैच की दिशा कुछ और होती अभी, क्योंकि शुरुआत में बल्लेबाजों को लंबे पारी खेलने की आवश्यकता होती है और डुप्लेसी भी 62 रन बना पाए। और विकेटों की बात की जाए सनराइजर्स के, तो कमिंग्स ने सर्वाधिक 3 विकेटें ली और मार्कंडे 2 विकेटें, एक विकेट नटराजन के खाते में गई।
रन रेट 13.10 की रही आरसीबी के, और रॉयल चैलेंजर्स के सर्वाधिक दिनेश कार्तिक 83 रन 35 गेंदों पे बनाए, और डुप्लेसी 62 रन 28 गेंदों पे, कोहली 42 रन बना पाए 20 गेंदों पे, रावत ने भी अच्छी कोशिश की और 25 रन बना पाए 24 गेंदों पे। और राजस्थान रॉयल्स अभी भी शीर्ष पे बने हुए पॉइंट्स के साथ, 6 पॉइंट्स के साथ अभी भी शीर्ष पे बने हुए हैं राजस्थान रॉयल्स। दूसरे स्थान पे कोलकाता नाइट राइडर्स 5 अंक के साथ। सनराइजर्स के तरफ से कमिंग्स एक सफल गेंदबाज साबित हुए, अच्छी लाइन लेंथ से गेंदें डाली और रन रोकने में सफल रहे थोड़े से बाकी गेंदबाजों की अपेक्षा। और मयंक ने भी अच्छे गेंद डाले और 2 विकेट ली। चलो दोस्तों, मैं इसी के साथ अपने वाणी को विराम देता हूँ, और थैंक यू आप सभी को लाइव में बने रहने के लिए, और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अपना प्यार देते रहिएगा।